ये हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और हमारे सबसे ज़्यादा फेवरेट एक्टर वही हैं, हम उनको बहुत पसंद करते हैं, उनसे पारिवारिक संबंध हैं और उनकी जीत से हमें लगता है कि हम जीत गए, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं और उनकी जीत से हम सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत खुशी है। उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं कि उनको हमेशा जीतना ही है, कभी वो हार ही नहीं सकते। कोई बाजी वो नहीं हारे हैं तो ये बाजी क्या हारेंगे। शत्रु जी ना सिर्फ एक बहुत ही बेहतरीन नेता है लेकिन बहुत ही बेहतरीन कलाकार भी, तो मैं मानती हूँ कि फिल्म जगत और पॉलिटिक्स से बहुत सारे लोग आए हैं सिर्फ उनका अभिनंदन करने के लिए और उनकी प्रशंसा करने के लिए। नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया होगा। आज ही हमारे प्रधानमंत्री जो दबंग, जिन्हें दबंग और एक्शन हीरो कहता हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम किसी देश को आंखें नहीं दिखाएंगे लेकिन हम किसी देश के सामने आंखें झुकाएंगे भी नहीं, न चुराएंगे न आंखें झुकाएंगे। बड़ी अच्छी बात है कही। जियो और जीने दो के तहत हम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ या तमाम देशों के साथ हम सारी समस्याओं का, जिनमें गरीबी भी है, मुफलिसी भी है, बेरोजगारी है, दलितों की समस्या है, हमारी युवा पीढ़ी की समस्या है, हमारी महिलाओं की समस्या है, इन सारी चीज़ों को हम जियो और जीने दो के तहत मिलजुल कर बढ़ाएंगे और इससे हमारे पड़ोसी देशों का, और मैं समझता हूँ देश में भी, विदेशों में भी, भारत की ख्याति और भारत का गौरव में चार चांद लगे। बधाइयाँ तो ऑफकोर्स देने के लिए यही आए, पर्सनली बधाई दूंगा कि आई थिंक शायद वो एक दो ही यू नो कलाकार है जो लगातार बीजेपी से लगे रहे, विनोद जी, शत्रु जी, हेमा जी, और लगातार जीतते भी रहे और इस बार भी जिस मार्जिन से वो जीते शायद किसी ने जीता। बस इसी बात का मुझे बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें कैबिनेट का पोस्ट मिलना चाहिए था, क्योंकि ही समवन हु इज़ वेरी वेरी कैपेबल, वेरी वेरी कमिटेड, और ऐसा रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक्स पर्सन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा होता है। भाई हमारी तो उनके बड़ी पुरानी दोस्ती है, तो उनकी कामयाबी पे हमें तो बधाई देनी है और वही देने जा रहे हैं। यार शत्रु जी के साथ पे तो उन्होंने आधी जिंदगी गुजार दी है, तो इसलिए तो उनके हर किस्से, द लवली मैन, एंड मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी इंसान के साथ गुजारा है, तो जैसे पहले थे अभी भी वैसे। शत्रु जी को मैं दिल से बधाई देना चाहूँगा, वो हमारे फैमिली फ्रेंड है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, एंड मुझे बड़ी खुशी हुई शत्रु जी जैसे इंसान को पॉलिटिक्स में बहुत कामयाबी मिलनी चाहिए और मिली है उनको, तो मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ, दुआ करूँगा कि उनको कुछ अच्छे पोस्ट भी मिल जाए, कुछ जिम्मेदारी भी मिले और खूब निभाएंगे।